रहीम स्टार्ट करते हैं कैटजन 40 की पार्ट 4 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोगों ने एंड्रोजेंस को डिस्कस करना है। एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स को कहते हैं। इसमें सर पहले हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आता है। टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो आपको बता रहे हैं मेनली टेस्टिस के अंदर हो रही है, उसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर भी हो रही होती है और टू अ स्मॉल एक्सटेंट ओवरी के अंदर भी हो रही होती है। मैंने आपको पिछले पार्ट की वीडियो में बताया था कि ओवरी के अंदर जो थीका सेल्स होते हैं वो बेसिकली एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एलएच से इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है। और फिर ये एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में। ये जो कन्वर्जन है ये ग्रैनुलोसा सेल्स में हो रही होती है और ये करवा रहा होता है एफएसएच, ठीक होगी बात। तो कुछ ना कुछ ओवरीज के अंदर भी एंड्रोजन इसका मतलब बन रहे हैं इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। और उसके अलावा हमारे टेस्टिस के अंदर जो लिडिक सेल्स होते हैं, ये बात उन्होंने यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई लेकिन वैसे आपको ये तो फिजियोलॉजी वाली बात है ना, लिडिक सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन, सही होगी बात। ये उसके प्रोडक्शन के वाले से हो गया। किन चीज़ों से प्रोड्यूस होता है उसका, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो आपके पास डीहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है टेस्टोस्टेरोन। ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने के लिए एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादातर इस प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब थोड़ी सी मैं आपको कॉन्सेप्ट से बातें बता रहा हूँ जो कि ऑल दो फार्माकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जब एज बढ़ती है तो ड्यू टू सम रीजंस, वो आप छोड़ दें क्या रीज़न है, लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, ठीक। अब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है इसकी अफिनिटी टेस्टोस्टेरोन के साथ ज़्यादा है, एस्ट्रोजन के साथ कम है, सही के बाद। तो जब भी ये बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर चूंकि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बाउंड हो जाएगा तो ओवरऑल फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। इसी वजह से बढ़ती हुई एज के साथ सेक्स में बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन की रेशो बढ़ जाती है और वो होता यह है कि गायनेकोमास्टिया हो जाता है, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये गायनेकोमास्टिया की रीज़न एक ये भी है कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर किसी के अंदर लिवर सिरोसिस हो जाएगा तो जारी बात है ऐसे बाइंडिंग ग्लोबुलिन लिवर ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो कोई लिवर का प्रॉब्लम होगा तो उसमें सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट टेस्टोस्टेरोन को कम बाउंड कर सकेगा और फ्री टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर जाएगा, सही की बात। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में पैथोलॉजी फिजियोलॉजी बता दी। अच्छा, अब ये जो एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और इन दोनों के एक्शन फ़र्क फ़र्क हैं थोड़े से, ठीक। अब मिसाल के तौर पर जो प्रोस्टेट का डेवलपमेंट है उसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इसी वजह से प्रोस्टेट कैंसर में या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में हम लोग ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ना होने दे। तो ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये जो है आपके पास टेस्टोस्टेरोन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ 5-alpha reductase, ठीक है। अगले पार्ट की वीडियो में हम इसके बारे में ड्रग्स भी पढ़ेंगे। तो 5-alpha reductase की मदद से ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर और ये कन्वर्जन मुख्तलिफ जगह पे हो रही है जैसा कि प्रोस्टेट के अंदर भी होती है। अच्छा, अगर मैं आपको फंक्शन वाइज बताऊँ तो इन दोनों के फ़र्क फ़र्क फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेबी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डेवलपमेंट करवाता है, स्क्रॉटम की डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिस का डिसेंड करना हो गया और इस तरह से टेस्टिस की डेवलपमेंट, पीनस की डेवलपमेंट, ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट में जो इंटरनल चीज़ें ना सारी, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एपिडिडिमस है, वास डिफरेंस है, ये जो बॉडी के अंदर अंदर चीज़ें हो रही होती हैं वो सारे डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट के दौरान। फिर इसी तरह आगे जाके देखा जाए, बर्थ के बाद देखा जाए तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेनली प्रोस्टेट के अंदर ग्रोथ वगैरह करवा रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन सारे सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक में रोल प्ले करता है, ग्रोथ में रोल प्ले करता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं, सही होगी बात। अच्छा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनके क्या होते हैं? तो चूंकि ओरली खाएं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए हम लोग इसके लिए इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा ट्रांसडर्मल पैच यूज़ कर सकते हैं और कुछ हमने ओरली एक्टिव वेरिएंट्स भी बनाए हुए हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो, ओके होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे आता है आपके पास एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक इफेक्ट में फ़र्क। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं एक तो वो इफेक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली जेनिटेलिया से रिलेटेड हैं या पर्टिकुलरली मेल सेक्स से रिलेटेड हैं। कौन से करेक्टरिस्टिक्स हो गए, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटेलिया हो गई या डेवलपमेंट ऑफ स्क्रॉटम हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक। और दूसरे जो इफेक्ट्स हैं वो होते हैं मसल मास में ग्रोथ होना और मतलब बोन डेंसिटी का इंक्रीज होना, आरबीसीज की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ओवरऑल मेल को ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स। तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, एक होते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स, सही। अब जो एथलीट्स होते हैं या ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि एनाबॉलिक इफेक्ट्स उनको मिल जाएं, तो हमने फिर ऐसे एंड्रोजेंस डिज़ाइन किए जिनके एनाबॉलिक इफेक्ट्स ज़्यादा हों। आमतौर पर जो बॉडी के अंदर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर एनाबॉलिक इफेक्ट रेशो एंड्रोजेनिक इफेक्ट ये होता है 1:1, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट भी हो रहा है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी हो रहा है।
अब हमने कुछ ड्रग्स बनाए जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सेंड्रोलोन या स्टानाजोल, इनको हम स्टेरॉइड्स भी कहते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स भी कहते हैं या एक्सोजेनस एंड्रोजेंस भी कहते हैं। एनीवेज, अब ऑक्सेंड्रोलोन की मिसाल दी जाए तो 3:1 होते हैं या बाज़ अवकात अप टू 13:1 होते हैं, ठीक है। यानी जितने इसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स हैं उससे 3 गुना ज़्यादा या 10 गुना ज़्यादा या 13 गुना ज़्यादा इसके एनाबोलिक इफेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं उसमें वो जब ये ड्रग यूज़ करेंगे तो एंड्रोजेनिक इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, मेरे पीनस वगैरह की डेवलपमेंट तो वैसी रहेगी, लेकिन जो उनके मसल मास का ग्रोथ है और जो उनका वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, सही की बात। तो ये आपके पास वो कह रहे हैं, हाउ एवर सो कॉल्ड एनाबोलिक स्टेरॉइड, इनका एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट तो है लेकिन एनाबोलिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सही। अच्छा, अब बाज़ को कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, तो वो कैसे होती है? आप कहेंगे कि देखो एंड्रोजेनिक इफेक्ट तो है, अब हम इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो सिमिलर चीज़ें हैं ना, ऑक्सेंड्रोलोन और ये वो सारा कुछ अब हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो असूली तौर पर तो फर्टिलिटी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब होती है? देखो होता बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी जो खुद ब खुद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर टेस्टिस के लिडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, सही है। अब जब हमने डाल दिया ना ये ऑक्सेंड्रोलोन और इस तरह के टीके लगाना शुरू कर दिए, तो ऑक्सेंड्रोलोन वगैरह जाके LH को कर देंगे इनहिबिट, FSH को कर देंगे इनहिबिट नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, ठीक है। जब LH वगैरह इनहिबिट हो जाएगा तो बॉडी के जो अपने टेस्टी से वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम कर देंगे, सही। अब बेसिकली मेल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पर्म काउंट को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अपना प्रोड्यूस किया हुआ टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो अब टेस्ट ये मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन की वजह से हुआ ये कि बॉडी ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी, जिसकी वजह से जो स्पर्म काउंट है और जो मेल फर्टिलिटी की चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। बात तो इंजेक्शन लगाने से ऑल्दो उनके अंदर कुछ ना कुछ एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, लेकिन उनका एनाबॉलिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू बॉडी की अपनी प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कम कर देते हैं, उनके अंदर इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। ये मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे आगे हम लोग इफेक्ट्स में टॉक्सिसिटी में सारा कुछ पढ़ेंगे, ओके। ओके बात, तो ये बातें ओवरऑल हमारे पास डिस्कस हो गई हैं। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। जैसे एस्ट्रोजन था प्रोजेस्टेरोन था, उसी तरह टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं, ये सारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं, तो इसलिए ये भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोसोल के अंदर रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस में जाके अपना एक्शन करेगा, ठीक है। बात एक्सप्रेशन ऑन टारगेट जीन्स कर लेगा। इफेक्ट्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं। मेल फीटस के अंदर जाहिर सी बात है मेजर चेंजेस लेके आनी है, उसने क्लिटोरस नहीं बनने देना, क्लिटोरस को इनलार्ज करके पीनस की फॉर्मेशन करवानी है, इसी तरह से स्क्रॉटम की फॉर्मेशन करवानी है, ये सारी जो फॉर्मेशन हैं इंट्रा यूटराइन लाइफ के अंदर वो यही एंड्रोजेंस करवा रहे होते हैं, और आफ्टर बर्थ वो ग्रोथ करवाना, लैरेंक्स का काम, स्केलेटन की डेवलपमेंट, आपको पता है मेल का बॉडी पैटर्न ओवरऑल फर्क होता है, और एक्सिलरी हेयर की डेवलपमेंट, फेशियल हेयर की डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन करवा रहा होता है। अच्छा, ये काम तो करवा रहा है प्यूबर्टी तक। अब आप कहेंगे ग्रोइंग एज के बाद क्या काम है, तो ग्रोइंग एज के बाद फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, स्पर्म काउंट को मेंटेन रखना, लिबिडो यानी डिजायर टू सेक्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। और जिन लोगों की जेनेटिक्स में बैल्डनेस हो, गंजापन हो, उनके अंदर ये मेल पैटर्न बैल्डनेस भी कॉज करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल पैटर्न बैल्डनेस होती है जिसमें दरमियान से बाल उड़ जाते हैं और इर्द गिर्द बालों की डेंसिटी सही रहती है, इसको कहते हैं मेल पैटर्न बैल्डनेस, सही हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इनके मेजर इफेक्ट्स ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, यहाँ पे वो जिक्र कर रहे हैं कि जी अब इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स भी हैं। मैंने आपको पहले बताया था टेस्टोस्टेरोन के एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स फीटल लाइफ में, बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी डिस्कस कर लीजिए हमने। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स क्या हैं? मसल साइज का इंक्रीज होना, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाना, RBCs का बढ़ जाना, सही बात। और फिर इसी तरह से जो यूरिया का वेस्ट यानी बॉडी के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन को मेंटेन कर लेता है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके टेस्टोस्टेरोन कर रहा होता है, डन हो गया। क्लिनिकल यूज़, हम यूज़ कब करते हैं? नंबर एक, हाइपोगोनेडिज्म, कोई ऐसा सिंड्रोम हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन है कि बॉडी कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है तो हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर दो, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सर्टन एनीमियाज में यूज़ करते हैं। नंबर तीन, पेशेंट का वेट बढ़ाना है, एड्स वगैरह हुआ या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें वेट गेन के लिए दे सकते हैं। और नंबर चार, एक इलीगल यूज़ है या एक इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, और वो है कि एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एनाबोलिक स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, सही। अब आ जाए टॉक्सिसिटी में, फीमेल्स के अंदर तो अगर टेस्टोस्टेरोन चला गया तो जारी बात है उसकी टॉक्सिसिटी ये होगी कि फीमेल की फेस पे हेयर आना शुरू हो जाए, विरलाइजेशन कहते हैं हम ओवरऑल। विरलाइजेशन का मतलब होता है कि फीमेल का जो जेनिटेलिया है या फीमेल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल से सिमिलर होना शुरू हो जाते हैं। हिर्सुटिज्म का क्या मतलब है? मुंह पे बाल आना शुरू हो जाना, इनलार्ज क्लिटोरिस, वो पीनस से सिमिलर हो जाएगा। इसी तरह से डीपेंड वॉइस
और मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फीमेल्स के अंदर। अच्छा, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल ले रही है और उसके अंदर फीमेल फीटस है, तो जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन की वजह से फीमेल फीटस के ऊपर भी इफेक्ट्स आएंगे, उसका भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और कह सकते हैं कुछ ना कुछ एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, यानी होगा तो फीमेल फीटस, होगा तो XX, लेकिन उसका क्लिटोरस जो है थोड़ा सा इनलार्ज होगा, और इस तरह की उसके अंदर भी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी अगर प्रेग्नेंट फीमेल एंड्रोजेंस को लेगी। ओके ओके, बात। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, या एक पैराडॉक्सिकल बात यह है कि फीमेल्स के अंदर तो ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर मेल्स के अंदर बहुत एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन दे दिया जाए तो एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर फेमिनाइजेशन कॉज करना शुरू हो जाता है, यानी फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज करना शुरू होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गया, टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो गया, इनफर्टिलिटी कॉज करना शुरू हो जाता है। वो कहेंगे ऐसा क्यों होता है भाई, तो बेसिकली एक तो नेगेटिव फीडबैक वाली बात हो गई, जब बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन देंगे तो वो जाहिर सी बात है LH को FSH को इनहिबिट करना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन्स, तो जब आप बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, अलबत्ता वो LH और FSH को इनहिबिट जरूर कर देता है, और फिर वही टेस्टोस्टेरोन जब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो फिर ज़्यादा एस्ट्रोजन होने की वजह से गायनेकोमास्टिया और ये वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाए हुए हैं ना वो बिल्कुल उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में ठीक है। मेल्स के अंदर अगर कम हो जाएंगे तो हाइपोगोनाडिज्म है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ओके ओके, बात। बहुत ज़्यादा एक्सोजनस सोर्स के थ्रू, ठीक है, नेचुरली होगा तो वो अलग बात है। अच्छा, उसके अलावा और क्या टॉक्सिसिटीज़ हैं, लिवर पे बड़े बुरे असरात होते हैं, लिवर एंजाइम्स रेज्ड हो सकते हैं, कोलेस्टेटिक जॉन्डस हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक हो की बात। अच्छा, अब अभी तक जो हमने पढ़ा था ये फार्माकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, इसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में एंटी एंड्रोजन को डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।